नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बिहार में लगातार प्रजापति समाज पर हो रहे अत्याचार व एक माह के अंदर 3 लोगों की हुई हत्या के विरोध में शुक्रवार को देर शाम प्रजापति समाज के लोगों ने शहर में कैंडल मार्च निकालकर बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित कैंडल मार्च में सैकड़ों प्रजापति समाज के लोग शहर के गांधी मैदान में एकजुट हुए। इस दौरान 200 से अधिक संख्या में रहे प्रजापति समाज के लोगों ने अपने हाथों में कैंडल लेकर मौन धारण कर गांधी मैदान से पुरानी जीटी रोड होते हुए रमेश चौक पहुंचे। प्रजापति समाज के बच्चों को, 3 बच्चों को लगातार 1 दिन 2 दिन अंतराल पे जघन्य और बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसके मतलब हम लोग विरोध कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन तीनों हत्यारों को, तीनों कांड के जो हत्यारे हैं, सबको स्पीडी ट्रायल में जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम करें और परिवार को उचित मुआवजा और प्रजापति समाज को राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदारी दे सरकार। प्रजापति समाज को जितनी हत्याएं क्रमबद्ध तरीके से बिहार में हो रही है, औरंगाबाद जिला, कैमूर जिला और बिहार में जो हुई है, उसके उचित न्याय और सैद्धांतिक और संवैधानिक न्याय के लिए आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और सरकार को आग्रह करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज पर जितनी जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर हमें पुलिस प्रशासन से लेकर प्रशासनिक अधिकारी संरक्षण प्राप्त दें और यह हत्याएं की क्रम जो है वो रुके, समाज को, अति पिछड़ी समाज को भी उचित न्याय मिल सके। इसलिए हम लोग संवैधानिक अधिकार के तहत, मौलिक अधिकार के तहत एक कैंडल मार्च निकालकर सरकार को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज को न्याय मिले, मृत व्यक्तियों को उचित न्याय मिले, यही हमारी मांग है। यही जय। क्या नाम हुआ? सुनील प्रजापति। हमने बिहार सरकार को आग्रह करते हैं कि इसको फांसी की सजा होना चाहिए, नहीं तो हम लोग कहीं से कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए आंदोलन करेंगे, चाहे जिला में हो, प्रखंड में हो, राज्य में हो, राज्य व्यक्ति करेंगे। अन्याय मिलना चाहिए। जो पूरे बिहार राजस्थान तीन हमारे साथियों को हत्या की गई है, उनके न्याय के लिए औरंगाबाद जिला मुख्यालय गांधी मैदान से चल करके रमोज चौक पर हम लोग आए हैं और जिसमें चंदन कुमार प्रजापति बारूल प्रखंड और रूबी कुमारी कैमूर जिला के नौजवान ज्योति को हत्या कर दी गई। बिहार के बीजा के सुशांत कुमार को हत्या कर दी गई है। तमाम जो इतने हत्यारों को फांसी की सजा हो और अति पिछड़ा समाज के जो है से हमदर्दी, बिहार सरकार में बैठे हुए अति पिछड़ा से के वोट पर जो सरकार में बैठे हुए नीतीश कुमार जी से हम प्रजापति समाज आह्वान करता है, अपील करता है कि जब तक इन लोगों को फांसी की सजा नहीं मिलेगी तब तक चरणबद्ध तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से भविष्य में भी आंदोलन करने का काम करेंगे। मैं सहदेव प्रजापति, जिला अध्यक्ष, औरंगाबाद, बिहार। निकाला गया कि लंबी बारूल प्रखंड में टेंगरा पंचायत के चंदन कुमार प्रजापति को हत्या कर दिया गया। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी सहायता नहीं दिया गया है। आरोपी दिन दहाड़े खुलेआम टहल रहा है। आए घटना बिहार में घटना अधिक से अधिक बढ़ते जा रही है। प्रशासन और ये सरकार दम मौन धान कर बैठी हुई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द औरंगाबाद जिला प्रशासन, माननीय SP महोदय, जो घटना हुई है औरंगाबाद में, अक्सर होते रह रही है, देख जल्द में सुजीत मेहता की भी हत्या हुई। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जल्द से जल्द चंदन प्रजापति को न्याय मिले, उन दोषियों को जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी मिले और जल्द से जल्द गिरफ्तार मिला जाए। क्या नाम हुआ? नाम करण कुमार, भीमावी जिला उपाध्यक्ष, जिला।